संविधान के चीथड़े उड़ाए जा रहे हैं और अपने आप को संविधानवादी और अंबेडकरवादी बोलने वाले सो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश बोध आज एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। कि मैंने आपको बताया कि संविधान की अवमानना हो रही है और अंबेडकरवादी और बाबा साहब के मानने वाले लोग खामोश हैं। यह बात मैंने क्यों कहा दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 10% सवर्णों को आरक्षण दिया गया और एससी एसटी ओबीसी के सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा में मेजे थपथपा के संविधान की जब हत्या हो रही थी, संविधान की जब धज्जियां उड़ रही थी, उसका समर्थन किया। यह बात मैंने यूं ही नहीं कहा, इसका पूरा डिटेल मैंने पिछले एक वीडियो में दिया है। आप ऊपर जो लिंक चल रही है उसे क्लिक करके देख सकते हैं। शॉर्ट में बताऊं तो संविधान में कहीं भी गरीबी उन्मूलन के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन हमारे नेताओं ने उसका समर्थन किया। हमारे नेताओं का मतलब जो आरक्षित सीटों से चुन के गए हैं, जो संविधान के कारण वहाँ पहुँचे हैं, लेकिन उन्होंने संविधान की जो मूल भावना है, जब उसका उसके खिलाफ में बिल लाया जा रहा था सरकार की तरफ थे, इन्होंने सरकार की तरफ से, तब इन लोगों ने उसका समर्थन किया। एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह सकती है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सरकार सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड NGT साइंस टीचर एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, उसमें जो कट ऑफ मार्क्स हैं आप वह जान के हैरत में पड़ जाएंगे। दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड TGT एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आया साइंस टीचर के लिए, उसमें जो कट ऑफ मार्क्स हैं उसे सुनकर आप सही में हैरत में पड़ जाएंगे। ST का कट ऑफ मार्क्स है 69.31% और शेड्यूल कास्ट का है 85.45% और OBC का है 73.73% और अनरिजर्व कोटे का है, जिसे हम कोटा कहेंगे, मतलब सवर्णों को आरक्षण है हमें तो ऐसा लगता है, क्योंकि उनका कट ऑफ मार्क्स है 80.96%। कई विभागों में यही खेल हो रहा है। आप हर विभाग में अगर जाकर देखेंगे कि वहाँ पे कितने शेड्यूल कास्ट के, कितने OBC के और कितने शेड्यूल ट्राइब के लोग अधिकारी कर्मचारी हैं, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि जैसा कि संविधान में कहा गया है, सभी को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, हर सेवा में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए इन शोषित वंचित तबकों को, और वो प्रतिनिधित्व की जो सीमा है 49.5% है। आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा काफ़ी सीटें जिसे ये लोग बैकलॉग कहते हैं वो पड़ी हुई है, और वहाँ पर अधिकांश लोग जिसे ये अनरिजर्व कैटेगरी कहते हैं, मैं उन्हें अनरिजर्व कह के इन सरकारों ने इन्हें इनके लिए रिजर्व कर दिया गया है, सो कॉल्ड सवर्णों के लिए। ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, दिल्ली का जो रिजल्ट आया है और वो रिजल्ट अपने आप में एक हतप्रत करने वाला है, लेकिन जो ये वर्ग है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या OBC, ये लोग सोए रहेंगे, ये लोग कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। यदि कोई राजनीतिक दल के कोई नेता को कोई अपशब्द कह देगा तो पूरे देश में बवाल मचा देंगे इन्हीं वर्ग के लोग, लेकिन जब संविधान और संविधानिक अधिकारों पे हमला होता है तब ये लोग पता नहीं क्यों मौन रहते हैं, क्योंकि शायद ये लोग सोए हुए हैं और जो जाग गए हैं वो सोने का ढोंग कर रहे हैं। दोस्तों, हमारा ये चैनल बेबाक खबरें बताने के लिए प्रतिबद्ध है, सच्ची बात बताने के लिए प्रतिबद्ध है और उन वर्गों की बात को सामने रखने के लिए प्रतिबद्ध है जिन वर्गों की बात मेनस्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता। तो अगर आप इस चैनल को बचाए रखना चाहते हैं तो इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट में हम आपसे कोई पैसा नहीं चाहते हैं, हम सपोर्ट में सिर्फ यही चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल के जितने भी वीडियो हैं वे इसे देखिए और शेयर कीजिए, और जो भी वीडियो पसंद आते हैं उसे लाइक कीजिए और साथ में जो घंटे की बटन है उसे भी जरूर दबा दीजिए। आप देख रहे हैं वी लव बाबा साहेब, चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी बजाना ना भूलिए।